मध्य प्रदेश के मुरैना मेला ग्राउंड में बसपा सुप्रीमो मायावती की विशाल आमसभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए मायावती कांग्रेस और भाजपा पर जमकर बरसी। मुरैना पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी प्रत्याशी कल्याण सिंह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की ज्यादातर सत्ता कांग्रेस के हाथ में ही रही, जो दलित व पिछड़ा वर्ग विरोधी रही है, जिस कारण कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब लंबे समय से भाजपा व उनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इस बार जातिवाद, पूंजीवादी व द्वेषपूर्ण नीतियों की कार्यप्रणाली से भाजपा आसानी से सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। मायावती ने कहा कि जनता इस बात को समझ चुकी है कि भाजपा पार्टी ने देश के गरीब व कमजोर लोगों को अच्छे दिन दिखाने के वादे किए, लेकिन जमीनी तौर पर पूरे नहीं हुए। ज्यादातर सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित है, तो खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।